सुप्रभात बच्चों, मेरी हिंदी पुस्तक 1 आप लोग इस पुस्तक को निकालिए, ठीक है। अध्याय 1 वर्णमाला परिचय। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। वर्णमाला का 2 भाग स्वर व्यंजन, उसमें से स्वर हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। ये रिवीजन है, ठीक है। पेज 6 सभी निकालिए। देखिए क क ख ग घ अंग, पढ़ो और पहचानो कि क्या है। क से कमल, आप लोग चित्र देख रहे होंगे। ख से खरगोश, ग से गधा, घ से घर, अंग से कुछ नहीं होता। यहाँ जो चित्र बताया गया है, शुरुआत को जो लिखा जाता है, जैसा क से कमल कमल कमल, ऐसा अंग से लिखा नहीं जाता। इसका यूज जो हम लोग उसका उपयोग करते हैं, कोई भी शब्द का अंग की मात्रा का हिसाब से, तो आप लोगों को लिखना है, इसको अभ्यास करना है। कैसे लिखोगे? क से कमल, ठीक है, ख से खरगोश, सही ढंग से लिखिएगा, जिसमें आप लोगों का जो हैंड राइटिंग राइटिंग भी सुंदर हो। ग क ख ग, अभी घ ख, और ये है अंग अंग। तो देखिए बच्चों, क ख ग घ अंग। क से कमल, ख से खरगोश, ग से गधा, घ से घर, घ से और अंग से कुछ नहीं। इसके बाद देखिए च छ ज झ ञ। ये जो च है, च से क्या बन रहा है? चम्मच। च से चम्मच, छ से छतरी या छाता, ज से जग, झ से आप लोग देख रहे होंगे चित्र में झरना, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं बन रहा है। च से चम्मच, देखिए जब हम लोग लिख रहे हैं चम्मच, तो च च म च चम्मच, तो शुरुआत का जो अक्षर है वो च है, जबकि ञ से ऐसा कोई शुरुआत नहीं है, ठीक है बच्चों। इसीलिए च से चम्मच, छ से छतरी छता छत्ता, ज से जग, झ से झरना, यहाँ से यहाँ। आप लोगों को इसको अभ्यास भी करना है कि किसके बाद क्या आता है या आगे क्या आता है। तो शुरुआत का च, ये है छ, ज छ चम्मच, छ से छतरी छता, ज से जग, झ से झरना। और अगर बीच से एक ठो
मिटा दिया जाए तो आपको यह दिया है। बोलिए तो यहाँ क्या लिखना है, च के बाद क्या होगा और ज का आगे क्या बैठेगा, कौन सा वर्ण बल लिखना चाहिए, तो आपको लिखना है छ, च छ ज, तो छ। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आप लोगों को अभ्यास करना है। अच्छे से अभ्यास नहीं करोगे तो नहीं बता सकोगे। इसके बाद देखिए बच्चों, ट है, ट ठ, ट ठ, ड ढ और, ये जो है ट ठ ड ढ और, ये ट से टमाटर क्या बनता है, ट से टमाटर। आप लोग देखे होंगे लाल लाल टमाटर, टमाटर ठ से ठठेरा, चित्र में देखिए ठठेरा क्या कर रहा है। ड से डमरू, भगवान शिव के पास डमरू है, ठीक है, ड से डमरू। ढ से ढक्कन, देखिए ढक्कन, और से शुरुआत का अक्षर से कुछ नहीं बनता, पर कुछ शब्द में बैठ के वो अपना जो वर्ण का प्रयोग हम लोग करते हैं, हाँ शुरुआत में नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग बड़े होने से समझोगे, अभी ये और को पढ़ना है, आप लोगों को जानना है कि और, हाँ। उसके बाद अभी देखिए ट से टमाटर, आप लोगों को लिख के अभ्यास करना है, अभ्यास करना है, ट ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढोल भी होता है, ढक्कन जो यहाँ चित्र में दिया है ढक्कन, और ठीक है। तो आपको इसको अच्छा से अभ्यास करना है। अगर एक शब्द यहाँ से नहीं है तो आपको ऐसा करके अभ्यास करना है कि एक शब्द नहीं, एक सॉरी सॉरी एक वर्ण यहाँ नहीं है तो आपको बताना है कि दूसरा वर्ण माने उसके बाद ट ठ ड, ड के बाद कौन सा वर्ण होगा, तो आपको लिखना है ध होगा, ठीक है। तो ट ठ ड ढ और, ठीक है। इसके बाद देखिए त थ द ख न, त से तरबूज, त से तरबूज, ख से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल। त से तरबूज, ख से थर्मस, द से दवात, ख से धनुष, न से नल। पढ़ो और पहचानो, इसमें देखिए ये पांचों वर्ण को, व्यंजन वर्ण को यहाँ लिखा गया है, त ख द ख न। तो त, आप लोगों को इसको अभ्यास भी करना है, त त के बाद थ द ख न,
लिखे त थ द थ न। अगर फिल इन द ब्लैंक जैसा दिया है कि त का बाद क्या होगा, द का बाद क्या होगा, तो आपको लिखना है त के बाद आ द के बाद। देखिए त थ यहाँ लिखना है थ, द यहाँ लिखना है ध, ऐसा करके आपको अभ्यास करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए पेज 7 में प, देखिए चित्र दिया हुआ है, प से पतंग, प से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, प फ ब भ म। ठीक है, तो उसको भी आप लोगों को अभ्यास करना है। प से पतंग, ख से फल, ब से बकरी, ख से भालू, म से मछली। ठीक है, आप लोगों को लिख के अच्छा सुंदर से अभ्यास कीजिए। वर्ण सही, सभी वर्ण को, व्यंजन हो या स्वर हो, सही ढंग से लिखने से आप लोगों का देखिए प फ ब, प फ ब घ घ म, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, घ से भालू, म से मछली, प फ ब भ म। आप लोग सही से इसको पढ़िए और सुंदर से लिख के अभ्यास कीजिए, तभी ठीक होगा। अभी आप लोग स्कूल डायरी निकालिए, होमवर्क चैप्टर 1 पेज 6-7 आप लोग अभ्यास कीजिए, हैंडराइटिंग का जैसा अभ्यास कीजिए। ठीक है,